हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको पता है हम फॉल सीलिंग दीवार को भी बना सकते हैं बोल के? तो पता नहीं तो आज आपको बताऊंगा प्रोसीजर क्या है। सेम जैसा आप देख रहे हैं, ये आप हॉल के अंदर बना हुआ फॉल सीलिंग डिज़ाइन, बट इसके लिए खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास सफिशियंट बजट है एंड दीवार को भी सीलिंग का कुछ पैटर्न बनाना चाहते हैं, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उस तरह का, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। जो आप स्क्रीन में थंबनेल में देखे हैं ना, उसको कैसे बनाना चाहिए एंड इसका क्या क्या प्रोसीजर है, वॉल को सीलिंग कैसा बनाना, ओके, मोस्ट इजी है एज़ कम्पेयर टू वॉल की तरफ कंपेयर किए तो ये बनाना थोड़ा सा आसान है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। बिकॉज आपको जो है इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, और आपका जो गर्दन है ऊपर करके काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे दीवार की तरफ जो है आपको जस्ट किल्ला मारना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है वर्कर्स के लिए खासकर। एंड अभी आप देख रहे हैं, ऐसा बनाने से आपको कुछ बेनिफिट भी हो जाएगा और थोड़ा सा लुक देखने में भी खूबसूरत और नया लुक आप इसे बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ जितना भी आप दीवार को देख रहे हैं, फॉल सीलिंग वर्क खासकर वॉल की तरफ भी बनाया गया और उसके अलावा सीलिंग को भी बनाया गया। सो कैसा बनाना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लेट अस सी। मान लीजिए आपका टीवी आ रहा है यहाँ पर, तो उसको कवर अप करने के लिए फॉल सीलिंग। फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरा कंप्लीट वर्क, जो थिकनेस है आपको 9 इंच तक पड़ेगा, डिपेंड आप चाहे तो 1 फीट लेगा तो उतना खास नहीं दिखाता। जो आपका ब्रिक रहता है ना 9 इंच का हाइट में, वही सेम, ओके, इसका हाइट। एंड नेक्स्ट लेट अस, जो बनाने का तरीका है इस तरह से, पट्टी मिलते हैं, चैनल पट्टी बोलेगा इसको आपको, गेज, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज, 1 mm, 0.5 mm, 0.3 mm गेज का मिलता है पट्टी, ओके। उसको इसको यहाँ पे जॉइंट किया गया, ओके। ये ऐसा दीवार की तरफ लगाया जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा, सो बाद में जो है इसकी मदद से यहाँ पे पूरा ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, इधर कॉर्नर की तरफ यहाँ पे पूरा पट्टी लगाया जाता है, फुल कंप्लीट। एंड ये पट्टी लगाने से पहले उन्होंने फर्स्ट चेक करते हैं ये लेवल सही है नहीं, वो चेक करते हैं, ठीक है। ये सेम प्रोसेस और फुल व्यू में ऐसे दिखेगा आपको, और उसके बाद जो बोर्ड्स मिलते हैं आपको वो चिपकाया जाता है, ये इसको बोलते हैं जिप्सम बोर्ड, ओके, वाइट कलर का रहेगा ये बोर्ड्स जो है उसको चिपकाए जाते हैं, ये सेम बोर्ड। एंड उसके बाद नेक्स्ट, तो सिंगल था, इसको कवर अप करने के लिए क्या है, पीछे से चिटकाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाउडर, वो एक पाउडर मिल जाएगा आपको, POP पाउडर बोला जाता है, उसकी मदद से क्या है इसको चिटकाया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट, एंड यहाँ पर भी कुछ लाइनिंग्स रहते हैं, उस लाइनिंग को छिपाने के लिए जो है, इन लाइनिंग को छिपाने के लिए इसके ऊपर जो है लफम लगाया जाता है, तो आपको फिनिशिंग में इस तरह से दिखेगा। सो यही था एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो आपको मैं बताना चाह रहा था, दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, हैव अ ग्रेट डे।